मेरे प्रिय वास्तु प्रेमियों, वास्तुशास्त्र के जिज्ञासु बंधुओं, चेतन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में हंसता हुआ वास्तुशास्त्र शिल्पकला पर 100 कुंडलियाँ नाम की पुस्तक जो आजकल बहुत बहुचर्चित हो चुकी है, इस पुस्तक के तीसरे भाग में जहाँ भूमि के आकार को हम क्रमशः समझा रहे हैं, इसी क्रम में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस भूखंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा और परिचय आपको देना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसका शीर्षक है भू डमरू आकार। कभी कभी भूमि डमरू के आकार के जैसी भी होती है, और अगर वो दुर्भाग्य से वो भूमि आपने खरीद ली तो उसके कुछ अच्छे परिणाम कभी नहीं निकल पाएंगे, वो आपको लगातार परेशान करती रहेगी। इससे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस पुस्तक को अपने घर पर दिए गए पते पर मंगवा सकते हैं। इससे लाभान्वित होए और अपने आत्मीयजनों को, परिजनों को, साथियों को भी पढ़ने का अवसर दें, इसका इस ज्ञान का आप खूब प्रचार करें और इससे लाभ उठाएं। मैं आपको डमरू आकार की भूमि के बारे में काव्य में परिचय दे रहा हूँ। देखिए कविता का, कुंडली काव्य का आनंद लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डम 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 डमरू बजे भू डमरू आकार, जिसका प्यारा नाम है करे न कोई प्यार, करे न कोई प्यार, आँख में मोतिया बिंद, ऐसा नेत्र विकार बना न बेचारा बींद, कहवाणी कविराज रोज करता मरू मरू, नव जीवन तू पाए बेच व डम डम डमरू। वाणी कविराज कहना चाह रहे हैं कि भगवान शंकर भगवान का जो डमरू बजता है वो डम 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 डमरू बजता रहता है, हम उसकी आवाज़ से उस डमरू को पहचान लेते हैं, और आज भी आप आपकी स्मृति में याद में उस डमरू को पहचान सकते हैं वो किस आकार का होता है। डम डम डमरू बजे भू डमरू आकार। कभी इत्तफाक से, गलती से आपने अगर ऐसा प्लाट खरीद लिया जो डमरू जैसे आकार का है, देखिए वो डमरू जैसे आकार का भूखंड आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। जिसका प्यारा नाम है करे ना कोई प्यार, यहाँ तक कि जब उस भूमि के दुष्प्रभाव आप पर आने शुरू होते हैं तो जिस व्यक्ति का नाम प्यारा है, प्यारचंद है, प्रेमी है, सुंदरी है, या मोहब्बत सिंह है, या नाम उसका उल्फत है, ऐसे नाम होने पर भी कोई उससे प्यार से बात नहीं करता है, लोग उससे दूर रहने लग जाते हैं, आपका नाम आपके जीवन में कभी सार्थक नहीं होता है। जिसका प्यारा नाम है करे न कोई प्यार, करे न कोई प्यार, आँख में मोतिया बिंद। अगर डमरू आकार की भूमि आपको प्राप्त हो चुकी है तो उससे आपके जीवन में नेत्र विकार, आँखों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। नेत्र विकार हो जाएगा, आँख से संबंधित कोई ऐसी लंबी बीमारी आपको हो सकती है जैसे मोतियाबिंद। तो आँख में मोतियाबिंद, नेत्र विकार ऐसा बन जाता है जिससे हम जो है विवाह के योग भी टल जाते हैं। तो अगर बच्चा विवाह योग्य है और उनके अगर नेत्र विकार बन गया है, नेत्र विकार आ गया है, आँखों की कोई बीमारी हो गई है, तो हो सकता है उसका विवाह भी थोड़ा सा दूर हो जाए, अटकल में, मुसीबत में पड़ जाए, असंभव सा प्रतीत होता है। तो कोई कोई करे ना कोई प्यार, आँख में मोतिया बिंद, ऐसा नेत्र विकार बना न बेचारा बींद। बींद का मतलब दूल्हा है ना, विवाह भी उसका कभी कभी नहीं हो पाता है, या उनके विवाह नहीं होने के प्रमुख कारणों में एक प्रमुख कारण ये डमरू आकार की भूमि भी हो सकती है। कह वाणी कविराज रोज करता मरू मरू, आत्मग्लानी से भरा हुआ अंतःकरण, अंत में घबराया हुआ, इस संसार को असार समझता है, ने बेकार समझता है, वो ये सोचता मेरा कोई नहीं है। ऐसी स्थितियों में वो मन में बार बार ऐसे नफरत के विचार उसके मन में आते हैं,
और वो मरू मरू करता है। उसके मन में ऐसे जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई हर्षोल्लास नहीं, ऐसे दौर में फिर वो आत्मग्लानी में भर जाता है। रोज करता मरू मरू नव जीवन तू पाए बेच वह डम डम डमरू। वाणी कविराज कहना चाहते हैं किन पर विचारों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये भूमि आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है और ऐसी भूमि तो किसी के भी लिए श्रेष्ठ नहीं होती है। थोड़ा सा तुम जो है इस भूमि के रूप को बदलो, थोड़ी भूमि छोड़ दो और जितनी आपकी मिनिमम चौड़ाई बन रही है उसको स्वीकार कर लो, उसके अनुसार जितनी लंबाई बनती है उसे भी आप उसका रूप दे दें। बस अधिक लंबी भूमि भी नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई और लंबाई के इस अनुपात को मैं आज आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भूमि की चौड़ाई होती है उससे उसकी लंबाई सवाई या डेढ़ गुनी या दोगुनी तक आप उसे स्वीकार कर लें, वहाँ तक वो भूमि आपको ठीक ठीक परिणाम देती रहेगी। लेकिन इससे ज़्यादा अगर भूमि की लंबाई आपके है तो अच्छा है, या तो आप ज़मीन छोड़ दें, ज़मीन के दो भाग कर लें, एक हिस्सा आप किसी को बेच दें, जैसी भी परिस्थितियां हो वास्तुशास्त्र के अनुभवी लोगों से आप सलाह मशवरा लेकर के इसका निराकरण करें। लेकिन बहुत लंबी भूमि यानी बहुत लंबा प्लाट जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, जैसे आपको उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको, 20x40 का प्लाट है, लेकिन अगर उसके वहाँ दो भाई रहते थे, अब पिताजी चले गए, उन्होंने उस भूमि के प्लाट का बंटवारा ऐसे कर लिया कि वो 10x40 हो गया, 1/2। अब 10x40 में जो लंबाई है वो 4 गुनी हो गई, चौड़ाई 10 फीट रह गई, लंबाई 40 फीट हो गई, 4 गुनी लंबाई। ऐसी विषम परिस्थितियाँ कई मकानों में हो जाया करती है, जो समझने की बात है। उसके बाद भूमि का जो आउटपुट है, जो परिणाम है, वो फिर उतने अच्छे नहीं रहते जो पहले कभी हुआ करते थे। धन्यवाद।